बताओ मुझे वो कौन सी गेम है जिसे कॉपी करके सारे GTA गेम्स को बनाया गया। आखिर GTA गेम्स इतना पॉपुलर क्यों है और एक कंपनी पूरी गेमिंग कम्युनिटी को रूल कर रही है, पर इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? तो इन्हीं कुछ सवालों के जवाब मिलने वाले हैं तुम्हें इस वीडियो में। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं 400 सब्सक्राइबर्स के करीब हूँ। साल था 1995 जब DMA डिजाइन नाम की एक कंपनी एक गेम अनाउंस करती है जिसका नाम होता है चेस एंड रन। अनाउंसमेंट के 2 साल बाद यानी 1997 को जब इस गेम को रिलीज किया जाता है तब इस गेम का नाम चेंज कर दिया जाता है और इस गेम का नाम चेंज करके रख दिया जाता है ग्रैंड थेफ्ट ऑटो। हाँ सही समझे तुम, DMA डिजाइन ये वो कंपनी है जिसे आज तुम रॉकस्टार के नाम से जानते हो। GTA 1 एक ऐसा गेम जो टॉप डाउन व्यू वाला एक गेम था जिसमें 3 सिटी हमें देखने को मिलती थी, लिबर्टी सिटी, सैन एंड्रियास और वाई सिटी। ये वो तीनों सिटी है जिसे लोग होप कर रहे हैं कि ये उन्हें GTA 6 में देखने को मिलेगी और ये उन्हें GTA 1 में ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। इसके अलावा इस गेम के डेवलपर का कहना था कि जब इस गेम को डेवलप किया जा रहा था उन्हें इतने सारे बग्स का सामना करना पड़ा और कुछ बग्स तो इतने अजीब अजीब बग्स थे जैसे पुलिस की कार का हमारे कैरेक्टर के पीछे पड़ जाना। हाँ सही समझे तुम, जो आज तुम वॉन्टेड लेवल वाला फीचर देखते हो GTA गेम में एक्चुअली इसकी शुरुआत हुई थी एक बग के साथ और रॉकस्टार ने उस बग को कन्वर्ट कर दिया एक फीचर के अंदर। वैसे ये गेम काफी ज्यादा पॉपुलर रहा और इसने उस टाइम पर ही 3 मिलियन कॉपी सेल कर दी थी। इतनी बड़ी सक्सेस पाने के बाद रॉकस्टार ने इसकी एक DLC भी रिलीज करी जिसका नाम था GTA लंडन 1969 और ये शायद पहला और आखिरी GTA फ्रेंचाइजी का कोई गेम था जो कि अमेरिका के बाहर की किसी सिटी में सेट था। रॉकस्टार अगला गेम GTA 2 लॉन्च करता है 1999 में जिसके ग्राफिक्स पिछली बार से काफी ज्यादा बेहतर थे, तुम देख सकते हो वीडियो में। इसके अलावा इस गेम के अंदर साइड मिशंस को भी इंक्लूड किया जाता है और ये पहला GTA का गेम बनता है जिसके अंदर साइड मिशंस देखने को मिलते हैं और एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म जो इंट्रो में तुम्हें गेम खेलने से पहले दिखाई जाती है जिसके अंदर कुछ एक्टर्स ने काम किया था और कुछ रॉकस्टार के ही एम्प्लॉइज थे और इस गेम में जो तुम्हें सिटी देखने को मिल रही थी वो काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक थी। ये किसी भी रियल सिटी से इंस्पायर्ड नहीं थी, ये एक अलग ही सिटी थी, तुम मान सकते हो जैसे साइबरपंक की एक एडवांस सिटी है। इन्होंने वैसी ही सिटी GTA 2 के लिए बनाई थी वो टाइम पर इस गेम को GTA जितनी सक्सेस नहीं मिली। इस गेम ने 2 मिलियन कॉपी सेल करी थी। अब आता है वक्त जब रॉकस्टार लॉन्च करता है अपना पहला 3D ओपन वर्ल्ड गेम जिसका नाम था GTA 3 जहां तुम्हें एक कैरेक्टर मिलता है जो बोल नहीं सकता। और कई लोगों का तो ये भी मानना है कि रॉकस्टार वो पहली कंपनी थी जिसने इस एरा की शुरुआत करी थी, पर कहते ना क्लेम करने में और फैक्ट्स होने में फर्क होता है, यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही है। रॉकस्टार ने ओपन वर्ल्ड 3D गेम्स की शुरुआत नहीं करी थी बल्कि GTA 3 के आने से पहले यानी 1999 में एक गेम आता है जिसका नाम था ड्राइवर। इसके अंदर तुम्हारा कैरेक्टर एक अंडरकवर पुलिस वाला होता है। इसके अंदर एक बड़ी ओपन वर्ल्ड सिटी देखने को मिलती है, तुम्हें साइड मिशंस देखने को मिलते हैं, तुम इसमें अच्छी स्टोरी लाइन मिलती है जिसे तुम खेल सकते हो। हाँ पर इस गेम का एक कौन था कि जो तुम्हारा कैरेक्टर है वो कार से नहीं उतर सकता। फिर इस गेम का अगला पार्ट आता है ड्राइवर 2 जो GTA 3 के आने से 1 साल पहले आ जाता है और अब इस गेम में तुम्हारा कैरेक्टर गाड़ी के बाहर निकल सकता है और तुम अपने कैरेक्टर के साथ भी पूरा सिटी एक्सप्लोर कर सकते हो। पर लोगों को ये गेम कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं आती क्योंकि इसकी कैरेक्टर की जो वॉकिंग एनिमेशन थी वो बहुत ज़्यादा वियर्ड थी, गेम में काफ़ी ज़्यादा ग्लिचेस थे, गेम प्ले भी नॉन पॉलिश, तो लोग इसको इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते। और इसके अलावा बात करो GTA 3 की जो 2001 में आती है उसके अंदर तो बढ़िया गेम प्ले देखने को मिलता है, उसके अंदर स्टोरी लाइन इतनी अच्छी नहीं होती, स्टोरी के नाम पे बस तुम्हें मार धाड़ी करनी होती हर जगह जाके। और उसके अलावा तुम जानते होगे रॉकस्टार की आदत, वो किसी को रोस्ट करने में पीछे नहीं हटता। और अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता दूं GTA 3 के अंदर एक मिशन रेड किया जाता है जिसके अंदर क्लाउड का काम होता है एक अंडरकवर पुलिस वाले को मारना और वो उस मिशन का क्या नाम रखते हैं, 2-Face Turner। रॉकस्टार किसी को रोस्ट करने से पीछे हट जाए ऐसे किसी हो सकता है। और इतना ही नहीं, इसके अलावा जिसे हम मारने जाते हैं उस पुलिस वाले की वॉकिंग एनिमेशन कुछ कुछ वैसी जो होती है जैसे ड्राइवर 2 के कैरेक्टर की थी। जो भी हो GTA 3 काफी बढ़िया गेम था, इसने 4.5 मिलियन से ज्यादा कॉपी सेल की। इसके बाद आता है GTA वाई सिटी 2002 में, इसमें देखने को मिलती है हमें मायामी सिटी। इसके अलावा टोमी वर्साटी मोस्ट लवेबल पर्सन इन द GTA फ्रेंचाइजी। इसके अंदर कुछ फीचर्स ऐड करते हैं जैसे GTA 3 के अंदर तुम बाइक नहीं चला सकते थे पर इसके अंदर तुम बाइक चला सकते हो। फाइनल
पर्सनली तुम्हारे कैरेक्टर भी बोल सकता है। हाँ, पर कुछ चीजें थी जो इसमें भी मिसिंग थी, जैसे टॉमी को तैरना नहीं आता था, वियर्ड ना, पर ओवरऑल गेम काफी ज्यादा प्यारा था और इसलिए काफी बड़ा सक्सेस बना रॉकस्टार के लिए और इसने 17.5 मिलियन कॉपीज को सेल किया। वाइस सिटी के 2 साल बाद यानी 2004 में रिलीज होता है द लेजेंडरी गेम GTA San Andreas। GTA San Andreas GTA फ्रेंचाइजी का वो गेम जिसके अंदर ऐसे ऐसे फीचर्स है जो तुम्हें GTA 5 में भी देखने को नहीं मिलता है। San Andreas में तुम प्रॉपर पार्कोर कर सकते हो। इसके अलावा गेम में 3 सिटीज देखने को मिलती है तुम्हें, San Ferio, लास्ट फ्रेंचाइज और लॉस सैंटोस। हर सिटी डिफरेंट होती है, हर सिटी की अपनी खासियत होती है, जैसे लॉस सैंटोस जिसमें तुम्हें सिटी देखने के साथ साथ कंट्री साइड वाले एरियाज भी देखने को मिलता है। और San Ferio की खासियत थी वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी गाड़ियां, यानी अमीरों वाली बातचीत ज्यादा देखने को मिलती है। लास्ट वेंचर्स ये तो हब था कसीनो का, ये रेगिस्तान के बीच बसा एक शहर था, एक देश था। इसके अंदर तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट क्लब्स देखने को मिलते हैं और हाँ, तुम लड़कियां भी ताड़ सकते हो आराम से। इसके अलावा तुम गेम में जिम कर सकते हो, सिक्स पैक्स ऐप बना सकते हो या फिर चीजों को खिला खिला के मोटा कर दो ताकि उसके पास भी कोई लड़की ना आए जैसे तुम्हारे पास नहीं आती। और भी कई सारे फीचर्स है इस गेम में ऐसे जो तुम्हें GTA 5 में देखने को नहीं मिलते, और यही तो वजह है कि इस गेम ने 21.5 मिलियन से ज्यादा कॉपी सेल करी थी। और इसके अलावा रॉकस्टार ने एक और गेम लॉन्च किया था जिसका नाम था GTA एडवांस। ये 2D टॉप डाउन विजन वाला गेम था। अब आता है 2005 जब रिलीज होता है GTA लाइब्रेरी सिटी जो कि PSP एक्सक्लूसिव होता है। और इस गेम के बारे में मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरे पास था PSP। वैसे इसका गेम प्ले काफी ज्यादा स्मूथ था, स्टोरी लाइन और मिशन डिसेंट थे। वैसे गेम कंपेयर करूँ GTA San Andreas और Vice City के मुकाबले में तो इतना पॉपुलर नहीं हुआ, पर उस टाइम के हिसाब से एक बहुत ही बढ़िया गेम था PSP के लिए। इवन ये गेम बेटर था GTA 3 से। और इस गेम की 11 मिलियन कॉपी सेल हुई थी और इसके अलावा ये PC के लिए आए नहीं था। 2006 को रॉकस्टार रिलीज करता है GTA Vice City Stories जो कि काफी अच्छा गेम था। इसके अंदर जो हमें कैरेक्टर देखने को मिलता है वो आर्मी ज्वाइन करता है क्योंकि उसे अपने परिवार को फाइनेंशियली सपोर्ट करना था। अब आर्मी का और पैसे कमाने का क्या लेना देना है तुम्हें गेम खेल के पता चलेगा। इसकी स्टोरी लाइन अगर मैं बोलूं तो काफी बढ़िया स्टोरी लाइन थी, लेकिन फिर भी इसे बाकी GTA गेम जितने सक्सेस नहीं मिल पाई। हाँ, तुम कह सकते हो कि ये GTA सीरीज का एक अंडररेटेड गेम है जिसे जो अटेंशन मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली और इस गेम की सिर्फ 6 मिलियन कॉपीज बाजार में सेल हुई। 2008 में रॉकस्टार रिलीज करता है GTA सीरीज का अब तक का सबसे बेस्ट गेम यानी GTA 4 और यहाँ से शुरुआत होती है रॉकस्टार के HD यूनिवर्स की। इस गेम की जो ग्राफिक्स थे वो काफी अच्छे थे उस टाइम के हिसाब से। इनफैक्ट इस गेम की जो कार की फिजिक्स है वो GTA 5 की कार के फिजिक्स से ज्यादा बेटर और रियलिस्टिक है। इसके अलावा गेम के अंदर 2 एंडिंग देखने को मिलती है, यानी चॉइस तुम्हारी है, तुम्हारी जर्नी कैसी जाएगी उस हिसाब से एंडिंग आएगी। काफी कूल कॉन्सेप्ट था ये गेम काफी पॉपुलर रहता है। हाँ, इसके अंदर जो सिटी तुम्हें देखने को मिलती है वो इतनी बड़ी नहीं थी, पर फिर भी ये गेम काफी ज्यादा पॉपुलर होता है और 25 मिलियन कॉपी सेल होती है इसकी। और उसके बाद 2009 में इस गेम की 2 DLC रिलीज होती है जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर रहती है, 3 मिलियन कॉपी से ज्यादा की सेल करती है वो भी। इसके अलावा एक और गेम रिलीज होती है जिसका नाम था GTA चाइना टाउन, पर ये क्यों रिलीज करी थी मुझे आज भी समझ में नहीं आता। मतलब तुम GTA 4 रिलीज कर चुके हो, अब GTA 4 के सामने कोई चाइना टाउन क्यों ही खेलेगा। अब मैं इस गेम के बारे में ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि ये गेम भी टॉप डाउन व्यू वाली गेम थी। हाँ, इसके ग्राफिक्स काफी बेहतर थे, ऑब्वियसली वो तो होने ही थे, और जैसा मैंने कहा कि GTA 4 के सामने इसे कौन खेलेगा, और यही शायद वजह थी कि इस गेम की सेल्स बहुत खराब होती है, खाली 1 मिलियन कॉपीज ही सेल कर पाती है गेम, उससे ज्यादा नहीं। अब टाइम आगे बढ़ता है और साल आ जाता है 2013। इस साल रॉकस्टार ने एक ऐसा गेम लॉन्च किया जिसकी वजह से आज भी रॉकस्टार का घर चल रहा है। हाँ, तुम सही समझे, मैं बात कर रहा हूँ GTA 5 और GTA ऑनलाइन की। और रिलीज होते ही ये बहुत बड़ा सक्सेस होता है। इसके अलावा इस गेम ने अब तक 185 मिलियन से ज्यादा कॉपी सेल की हुई है। और इसके साथ जो गेम लॉन्च हुआ था वो GTA ऑनलाइन, उसने तो रॉकस्टार को आलसी बना दिया। बाकी गेम की स्टोरी डिसेंट थी अगर कंपेयर करूँ GTA 4 की स्टोरी से, तो बाकी गेम में 3 कैरेक्टर देखने को मिलते थे, तीनों के अलग अलग मिशंस थे, तीनों की आदतें एकदम अलग अलग थी। फ्रैंकलिन एक नया लड़का है जिसे जल्दी जल्दी बस पैसे कमा के अमीर होना चाहता है, और ट्रेवर एक अदर उम्र का गुस्से वाला खड़ूस आदमी जो कभी भी कुछ भी कर देता है, इससे पंगा नहीं लेने का खाली, और माइकल एक स्मार्ट आदमी जो अपनी लाइफ में थोड़ा सा सुकून चाहता है, ये हर चीज को हैंडल करना अच्छी तरीके से जानता है सिवाय अपनी बीवी के। इसके अलावा तुम गेम प्ले के बीच में किसी भी कैरेक्टर पर स्विच कर सकते हो। इसके अलावा GTA 5 का मैप सारे GTA गेम्स से बड़ा था, बहुत बड़ा, और गेम के अंदर काफी ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल्स देखने को मिलते थे, और यही वजह थी इस गेम
के इतने ज्यादा पॉपुलर होने के पीछे। और रही बात GTA ऑनलाइन की, तो वैसे एक गुड न्यूज ये है कि जल्दी हमें शायद GTA 6 के बारे में कुछ सुनने को मिले रॉकस्टार की तरफ से। वैसे क्या लगता है नेक्स्ट GTA कब तक आएगा, कमेंट में बताओ, जानना चाह रहा हूँ। अब लास्ट में आता है वो गेम जिसने मेरा दिल तोड़ा। 2021 में रिलीज करता है रॉकस्टार GTA ट्रायलॉजी, जिसके अंदर तीन लेजेंडरी गेम्स थे। एक था GTA 3, दूसरा था वाइस सिटी और तीसरा मेरा फेवरेट GTA सैन एंड्रियास। और GTA ट्रायलॉजी ये वही गेम था जिसकी वजह से रॉकस्टार ने बहुत गालियां सुनी, मतलब बहुत गालियां। माना तुम लोगों ने गेम बनाया नहीं, तुमने किसी और से बनवाया, पर ध्यान तो देना चाहिए ना, तुम एक लेजेंडरी गेम्स को रिमास्टर्ड कर रहे थे और तुमने उस पे अपनी अटेंशन देना भी जरूरी नहीं समझा। गेम जब रिलीज हुआ बिल्कुल अनपॉलिश्ड गेम था, तुमने उसके ग्राफिक्स भी जैसे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे नहीं कर पाए। पर तुम गेम के ग्राफिक्स कितने कर दो, 4K 8K 12K जो मर्जी ले जाओ, जितना मर्जी ऊपर रेजोल्यूशन ले जाओ, अगर गेम प्ले अच्छा नहीं है तो वो गेम किसी काम का ही नहीं है। गेम्स जब रिलीज हुआ काफी ज्यादा ग्लिचेस से भरा हुआ था, इनफैक्ट कई सारे लोग तो रॉकस्टार से रिफंड तक मांगने लग गए थे। और इसके अलावा रॉकस्टार ने एक और गंदी हरकत करी थी, और वो ये थी कि जब उन्होंने GTA ट्रायलॉजी को रिलीज किया अपने पुराने वर्जन को हटा देना, GTA सैन एंड्रियास का जो पुराना वर्जन था उसे हटा दिया गया, वाइस सिटी वाले वर्जन हटा दिया गया, GTA 3 का वर्जन हटा दिया गया। क्यों? ताकि लोग GTA ट्रायलॉजी खरीदे। और ऐसा लग रहा था रॉकस्टार जबरदस्ती कर रहा लोगों से कि नहीं तुम यही खरीदो, ये अच्छा गेम है, पर उसके बग्स फिक्स करना रॉकस्टार का काम ही नहीं था शायद। और इसी वजह से गेमर्स ने काफी गालियां दी रॉकस्टार को। वो टाइम पर अगर अच्छे से इसे लॉन्च किया जाता तो आई थिंक ये काफी बेटर परफॉर्मेंस करता, लेकिन फिर भी इसने 10 मिलियन कॉपी सेल करी थी। ये नंबर और बड़ा हो सकता था अगर रॉकस्टार सही से ध्यान देता तो, क्योंकि ये वो लेजेंडरी गेम्स थे जिनकी सचमुच में हाइप बन चुकी थी। और अभी ये मोबाइल पे लॉन्च होने वाला है, तो देखते हैं कैसा होता है। बाकी आज की वीडियो को यही खत्म करता है। तुम्हें वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना, लाइक कर देना मोटिवेशन के लिए और सब्सक्राइब कर देना अपनी जान बचाने के लिए। और हाँ, लेफ्ट वीडियो में क्लिक करो अगर जानना चाहते हो कि मोबाइल गेम्स की लेजेंडरी कंपनी गेम लॉफ खत्म कैसे हो गई, और राइट वाली वीडियो पर क्लिक करो अगर जानना चाहते हो कि रॉकस्टार ने कैसे अपने फैंस का दिल तोड़ दिया RDR 2 को बंद करके। मैं मिलता हूँ तुमसे उन्हीं वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायो नारा।